नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भक्ति बौछार में। आज हम भक्ति बौछार में जानेंगे कि आखिर शिव जी को बेलपत्र क्यों इतना प्रिय है और उनको क्यों बेलपत्र चढ़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के पर्व में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। बताया जाता है कि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को शिव पार्वती का विवाह हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और शिव जी को उनकी प्रिय वस्तुएं चढ़ाने से भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और इसी का एक हिस्सा है बेलपत्र। जी हाँ, शिव जी की सबसे प्रिय वस्तु बेलपत्र मानी जाती है। कहते हैं माता पार्वती ने स्वयं शिव जी की पूजा बेलपत्र से की थी, इसलिए शिव जी को बेलपत्र बेहद प्रिय है। पुराणों में बेलपत्र को लेकर यह कथा मिलती है कि माता पार्वती शिव जी को पाने के लिए कई जतन करती थी, कठोर तपस्या करती थी, कई प्रकार के व्रत करती थी। एक बार भोले बाबा जंगल में बेल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे, तब माता पार्वती जी ने शिव जी की पूजा करने के लिए पूजन सामग्री लाना भूल गई थी। तब उन्होंने पेड़ के नीचे गिरे हुए बेलपत्रों से ही शिव जी की पूजा करना आरंभ कर दिया और उन्हें बेलपत्र से पूरा ढक दिया। इससे शिव जी बेहद प्रसन्न हुए और तब से उन्हें बेलपत्र चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने से वैवाहिक जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है और बड़े से बड़ा रोग दूर हो जाता है। कोर्ट कचहरी के मुकदमे से राहत मिलती है। निसंतान लोगों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। भक्ति से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें।